अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो हमारे नए व्लॉग का आगाज यहीं से है। तो हमारे घर आज कौन आया है? आवाज से पहचान सकते हैं कि हमारे घर कौन आया है? मानो आइए तो समझता। मानो के साथ कौन है? मोहम्मद। मोहम्मद सलाम कर दो। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाज को क्या हो गया? वालेकुम अस्सलाम। और खाने में बनाया मजेदार सा पुलाव, बहुत मजे का। मानो को लगी बहुत जोर से भूख। वाह, जर्दी का रंग। वाह भाई वाह, मुंह में पानी आ रहा है। मम्मा के अहमद भाई तुम इधर आ जाओ। वो कह रहे अहमद भाई तुम इधर आ जाओ। और हमारा शहजादा देखे, छोटे छोटे पैरों वाला मुंडा, छोटे छोटे बस ये खाना है। सारे के सारे यही तुम लोग बैठोगे? मानो बालू वो भी खुर्रम भाई के पास ही बैठेगा। सही है भाई। और हमारा बालाज, बालाज बालाज बोलो खुर्रम भाई जी। क्या अच्छा ये खुर्रम को कहते? खुर्रम आपको खुर्रम भाई कहते हैं? माशाल्लाह ये बच्चा है ना भाई, उसको पहले दे। खुर्रम बालू को पहले दे दे भाई। भाई तो खाना मेरी फातिमा को भी मिलता है। बस जल्दी जल्दी हम खाना खाते हैं और खाने के बाद आपसे मिलते हैं। जिसने खाना खाया वो बताए खाना कैसा बना है? मजेदार। हाँ माँ भैया खाना कैसा बना है? बेहतरीन। अहमद जिस चीज का मैं शौक से खाता हूँ वही बना। अहमद कैसा बना? मजेदार। तो बस अब हम भी खाते हैं, हमारी गुड़िया भी खाती है। मम्मा खिलाएगी ना? मैं खाऊंगा। आप खुद खाओगे? ओके। तो बस ये खाना जाना हमारा हो गया। लास्ट में ग्राइन खा रहा है और मानो के सर में हो रहा है शदीद दर्द। तो चाय देखो, अल्लामिया मैंने अपनी चाय निकाली मेरी और मानो की भर के। इस वजह से भाई को मैंने तो टेंशन है। मानो अल्लाह ने चाहा तो सारी चीजें हल हो जाएंगी इंशाल्लाह। मानो को टेंशन जो है, टेंशन तो वो ज़्यादातर शादी की है। तो बस इंशाल्लाह शादी का भी काम अल्लाह ने चाहा तो हो ही जाएगा। और जो बस खाना हमने खा लिया है और चाय पी रहे हैं, मज़े बिल्कुल। अल्लाह ने हमारे हाथों में ये काम लिखा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो पाया तक क्या बोलते हैं, तकनीक तक पहुँचाएंगे। हाँ मेरे दुपट्टे से गंदा मुँह साफ कर रहा है। छोड़ दुपट्टा मेरा, छोड़ दुपट्टा मेरा। बस चाय पीते हैं और मजे करते हैं। मम्मा ने तो बोला तो मजेदार से चाय एंजॉय करते हैं, चाय पीते हैं। और फातिमा इधर आओ, मैं आपको एक बात बताऊं। इधर बैठो। किसी से वफा के बदले वफा नहीं मिलती। फातिमा हमने कल कौन सा गाना गाया था? के मानो हमारा एहसान के लड़की ने हाँ कर दी। और आज हम कौन से गाएंगे हैं? इधर 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 देखो। सुनो अच्छा नहीं होता किसी को ऐसे तड़पाना। ये गाना किसके लिए? मामी के लिए। इधर किसके लिए? आप दोनों चुप हो जाओ। फातिमा को गुस्सा आ गया। अच्छा किसके लिए? अच्छा किसके लिए? नाम क्या बताया? मामी के लिए। बस देखो भैया मैंने कुछ नहीं बोला है ना, मैंने कुछ सिखा है, मैंने तो बस ऐसे मुंह में गुनगुना दिया मैंने कि सुनो अच्छा नहीं होता ऐसे किसी को तड़पाना। और इसने फौरी तौर पे बोल दिया कि गाना किसके लिए? बस तो मेरा मैंने नहीं बोला है भाई, आप लोग देख सकते हो। ये बच्ची की मोहब्बत है, बच्ची ने कह दिया है तो कह दिया है। तो बस अब हम चाय को इंजॉय करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट मॉर्निंग हमारी हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह। और हम पर इनके पापा जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए और गुड़िया हमारी ले लेंगे। दुपट्टा पहना दूं? हाँ। आप भी नमाज पढ़ोगे जी? इतना परेशान किया सारा दिन, आज बिल्कुल भी लाइट नहीं थी सुबह। अहमद कितने बजे लाइट गई थी बेटा? हाँ 8 बजे गई थी, 9 बजे आपने कंप्यूटर बंद कर दिया था। 9 बजे अहमद बता रहे मामा लाइट गई थी और शाम में 6 बजे लाइट आई। तो सारा दिन में कुछ भी व्लॉग शूट नहीं कर पाई, कुछ बता नहीं पाई। बस कल जो हम लोगों ने एक मस्ती मजाक, एक हम लोगों ने थोड़ा सा घर में शुगर लगा लिया था तो वो मैंने आपसे शेयर किया। और दूसरा ये कि मैंने मुझे आपको ये बताना था, आप लोगों के कमेंट आ रहे हैं अहमद के लिए। तो देखिए ऐसे ही बिना सोचे समझे इंसान को कुछ नहीं कहना चाहिए। देखिए वो मेरा बच्चा है, बेटा है मेरा, बिल्कुल चैनल उसका है और उसी का ही रहेगा। मैं तो वक्ती तौर पर ही चैनल पर आ गई हूँ कि बस ये चैनल चलता रहे, चैनल को कोई नुकसान ना हो।
दूसरा ये कि अहमद किसी काम में अभी लगे हुए हैं, आप लोगों ने दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उसको उस काम में कामयाबी दे क्योंकि मैंने आपको बताया था बच्चों ने कंप्यूटर लिया हुआ है तो वो अपने उस काम में लगा हुआ है, तो मैं नहीं उसको परेशान करना चाह रही थी कि वो व्लॉगिंग भी करे अपना वो काम भी करे। तो उसका काम भी कुछ ऐसा है कि वो रात भर अपना काम करता है तो सुबह उसको सोने को मिलता है, वो तकरीबन 9 बजे के बाद ही वो सोता है। जैसे आज लाइट चली गई तो आज उसका काम भी रह गया था बच्चे का मेरा, मगर तो वो उस काम में लगा हुआ है। तो इसीलिए बेटा प्लीज़ आप लोग बिना सोचे समझे कोई ऐसी बात अहमद के लिए ना कहो, वो भी मेहनत कर रहा है, अल्लाह उसे भी कामयाब करे और अल्लाह अहमद की मम्मा को भी कामयाब करे और अल्लाह फातिमा को भी कामयाब करे। तो बस ये सारी चीज़ें थी। तो अभी हम नमाज पढ़ते हैं, हमारी गुड़िया भी नमाज पढ़ती है और इंशाल्लाह कल हम सुबह जाएंगे। क्या जाएंगे? ये सरप्राइज है, कल बताएंगे। कल बताएंगे ठीक है। ठीक है जी। तो बस भाई अभी मैं नमाज पढ़ती हूँ, जल्दी से नमाज पढ़ने के बाद जो कुछ भी होगा वो सब मैं आपसे शेयर करूँगी। नाश्ता भी कर लिया था, खाना भी खा लिया था, मगर लाइट ना होने की वजह से कुछ शेयर नहीं कर पाए थे, घर में बस ये फैलावा है। तो मैं नमाज पढ़ के इंशाल्लाह सारा कुछ साफ करती हूँ और फिर जो भी होगा जैसा भी होगा वो सारा कुछ हम आपसे शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नमाज पढ़ने के बाद। A few moments later. वजह ना मेरा बेटा ये ना बैठा हुआ है, आ गए तुम, ये लो पैसे जाके जो ले आओ खाने के लिए। और ये देखो हंसता हुआ, इतने ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं मेरे बच्चे के लिए, बच्चा माशाल्लाह काम कर रहा है। और हम चलते हैं पूरा फातिमा को लेकर डॉक्टर के पास चले। हाँ भाई बाबा बात कर रहे हैं कॉल पे कि हम चलते हैं फातिमा को लेके, गुड़िया इसके कान में ना पस निकलता चला जा रहा है। तो मैंने सोचा ए मुझे जाना बेटा कुछ खाने का अपने लिए लिया, क्या लाए लो? हाँ बेकरी से ही कुछ ले लो, खा लो ताकि मैं फटाफट ये ब्लॉग भी एडिट करूँ। केक रस्क बस। और ये देखो मेरा बदमाश कैसे बैठा है, बदमाश मेरा। क्या पहनना है, शादी की तैयारियां करनी है, कपड़े लेने जाना है? हाँ या एक काम करते तुम लोग, छोड़ो जो है वही पहनना, फातिमा का सिर्फ ड्रेस बना लेते हैं, है ना, फातिमा का शरारा बना लेते हैं, बाकी सब खैर है। ठीक है गुड़िया। तो बस भाई हम बैठे हुए थे, खूब हंसी मजाक भी करी, बातें भी करी, अहमद गया है कुछ लेने के लिए खाने के लिए। तो वो आता है, आज भी सारा दिन लाइट नहीं थी, कुछ भी नहीं हमने शेयर किया आपसे, मोबाइल की बैटरियां भी जो है ना सारी डेड हो गई थी। तो आज हम प्लानिंग कर रहे थे शॉपिंग पे जाने की कि क्या शॉपिंग करना है, क्या, क्योंकि शादी की तैयारियां लगभग शुरू हो ही गई है। तैयारी करना और आप लोग सब ये कह रहे हैं शादी हो किसके लिए, तो ये इंशाल्लाह जरूर बताऊंगी मैं आपको। तो ये जुड़े रहे हमारे साथ, आपको सब पता चलेगा कि शादी की डेट क्या फिक्स हुई है और ये सारी चीजें सब आपको इंशाल्लाह पता चलेगा कि क्या है और क्या नहीं। कुछ हमारे घर के काम है वो भी हम जरा कर लें तो फिर इंशाल्लाह अच्छे अच्छे व्लॉग आपको देखने को मिलेंगे। अहमद लेकर आ गए कुछ खाने को, क्या लेकर आए बेटा? ये मुझे अहमद ब्राउनी लग रही है, कह रहा है मम्मा आज बेकरी पे कोई नया आया था, अभी अभी आया है, फ्रेश है। अहमद ब्राउनी है, ब्राउनी वाला केक है बेटा, सस्ती है, 180 का दिया है ये। और केक रस चार, बहन को भी खिला दो। मम्मा मैं केक कटिंग करूं? जी कटिंग करो भाई, इससे आपको पता है जब केक आते हैं वो कटिंग करती है ना, आपने कटिंग नहीं करवाया? ये कटे भाई, करवा लो यार, हैप्पी बर्थडे करवा लो बेटा। अच्छा अच्छा ये लो ये लो, चलो चलो करवा लो अहमद, करवा लो, चलो रखो वहाँ, रखो वहाँ, रखो भाई, आप लोगों को पता होना चाहिए फातिमा का। चलो भैया इधर आओ, भैया आप भी करो, चलो करो भैया के साथ। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फातिमा, हैप्पी बर्थडे टू यू। चलो भैया आप, बल्कि व्लॉग का एंड यहीं कर लेते हैं। चलो भाई हम अपने व्लॉग का एंड यहीं करते हैं। हाँ बस बेटा जा रहे हैं ना, व्लॉग ये एंड कर लेते हैं, एडिट अपलोड और उसके बाद हम चलते हैं। ठीक है तो बस भाई व्लॉग का एंड हम यहीं करते हैं। हमारी वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार करें, दुआ में हमें याद रखें, पेरेंट्स के रिस्पेक्ट, उनका ख्याल, उनसे प्यार, उन्हें नमक लाजमी दें, नमाज की पाबंदी करें, हमारी वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दिखाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक भी करें और शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चलो भाई बच्चा पार्टी, लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब, जल्दी बोलो, मैं आपको नहीं लेके जाऊंगी फिर, बोलो लाइक शेयर सब्सक्राइब। चले भाई अहमद आप भी बोल दें लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नहीं आज आप बोले नहीं, जैसे आपका तरीका है वैसे बोलो। लाइक मांगने से थोड़ी मिलता, आप बोलो जो आपका देखे ना लोग, जो कहते हैं कि अहमद में ये है वो है, तो आप बताएं, बताओ जो कहते हैं उनको। केक मजा आया और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। अरे मेरा बच्चा, तो भैया आप भी कह रहे हैं, बहुत खाना है, अल्लाह हाफिज़।